हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राधे। तो गाइस अभी का स्टूडियो हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि रैनी सीजन चल रहा है, तो गाइस ये उसी टाइप की एडिटिंग होने वाली है, रैन फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट। तो गाइस यार मैं कल कमेंट चेक कर रहा था, तो गाइस यार कुछ लोगों को रिप्लाई कर रहे थे कि ये मेरा सेकंड न्यू चैनल। तो गाइस मेरा कोई सेकंड न्यू चैनल नहीं है, बस यही एक अभी परमानेंट है। तो गाइस उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, फिलहाल में अभी मेरा एक यही चैनल है। तो गाइस अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस इसमें जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अभी आप हमारे चैनल पे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपने पिक्सआर्ट में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद से सिंपली आपने टूल्स में जाकर इसको रिसाइज कर लेना है, क्योंकि यार बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी बैकग्राउंड फट जाता है, फोटो फट जाती है। तो गाइस आप रिसाइज कर लेना, आपकी फोटो कभी भी नहीं फटेगी, ठीक है। तो उसके बाद से आपने चले जाना है ऐड फोटो पे, और यहाँ पर गाइस मैंने अपने मॉडल के बैकग्राउंड को पहले से इरेज कर रखा है, तो गाइस आपने भी इरेज करके ले लेना है। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद से सिंपली इसको बीच में आपने कुछ अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद से इसको हम कर देंगे यहाँ से डन। और गाइस डन करने के बाद से आपने सिंपली देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा आपका। इसके बाद से गाइस सिंपली आपने ऐड फोटो पर चले जाना है, तो यहाँ पर हम सिंपली ऐड फोटो पर जाते हैं, और यहाँ से गाइस आपने एक पीएनजी इंपोर्ट कर लेनी है, तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, और बस इसे आपने फुल बैकग्राउंड पर लगा देना है, ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। मैंने खुद से क्रिएट करी है। और उसके बाद से गाइस अगेन हम ऐड फोटो पर जाते हैं, और गाइस एक और पीएनजी अम्ब्रेला वाली हम ऐड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर दूसरे साइड के लिए भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए अब कितना सही लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक लगने लगा हमारा फोटो। तो हम सिंपली इसको कर देंगे डन। और गाइज डन करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए गाइज आपको ब्यूटी का ऑप्शन मिलेगा, गाइज जो आपको उसमें चले जाना है, उसमें आपको मिलेगा फेस फिक्स का ऑप्शन। गाइज आपने उस पर क्लिक करके इसे बस अपने फेस और हैंड वेंड पर लगा लेना है, जहाँ पर भी मतलब आपका स्किन हो। तो गाइस इसमें लगाने के बाद से आपको देखिए इसको कितना रखना है, आपको इसको रखना है 20 या 25 के आसपास, बस इस उसके आगे रखिएगा तो थोड़ा सही नहीं लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको कर लिया है, तब हम क्या करेंगे सिंपली इसको टूल्स में ले जाएंगे, और यहाँ पर गाइस हम एडजस्ट में ले जाते हैं, और इसमें गाइस ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपने इंक्रीज कर लेना है। और गाइस इंक्रीज करने के बाद से आपने सिंपली क्लियर ऑल करके इसे अपने फेस पर लगा लेना है, कि थोड़ी सी इसमें लाइट आ जाए, थोड़ा थोड़ा मार्क कर लेना है, और उसके बाद से उसको कर देना है डन यहाँ से। फिर इसमें क्या करना है, इसको जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, तो यहाँ पर हम इसको हम थोड़ा सा ही रखते हैं, फिर इसको कर देंगे डन। और गाइस डन करने के बाद से हमारी लास्ट पीएनजी जो बची है उसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे, जो हमारी रैन फॉल वाली पीएनजी है, तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। और गाइस इसको ऐड करने के बाद से इसको भी हम फुल बैकग्राउंड पर कर देते हैं, और इसके बाद से हम इसका ब्लेंडिंग मोड जो है, सॉरी ब्लेंडिंग मोड है, इसको हम रख देते हैं स्क्रीन। और स्क्रीन रखने के बाद से देखिए यहाँ पर पहले तो आपने चेक कर लेना है कि आपके कौन सा सही लग रहा है, तो हम यहाँ पर लाइटन भी थोड़ा सही लग रहा है, तो हम उसको स्क्रीन ही रखेंगे। तो हम उसके बाद से स्क्रीन रखने के बाद से हम सिंपली इसकी ओपेसिटी जो है इसको हम कम करके रख देंगे 70%। तो हम यहाँ पर इसको 70% कर लेते हैं, और 70% रखने के बाद से गाइस सिंपली आपको इरेजर पर जाना है, और यहाँ पर हार्डनेस कम करनी है, और सिंपली बस इसे अपने फेस पर से हल्का इरेज कर लेना है, और फिर इसको कर देना है यहाँ से डन। तो गाइज आप फेस पर से इरेज कर लगोगे तो और भी ऑसम लगने लगेगा। उसके बाद से यहाँ से इसको कर देना है डन। और गाइज डन करने के बाद से हमारे पिक्सआर्ट का काम तो हो चुका है, तो हम सिंपली अपने ड्रॉ टूल में जाएंगे, और यहाँ से गाइज हम अपनी फोटो को कर लेंगे सेव। तो गाइज हमने अपने यहाँ पर फोटो को अपनी लाइट रूम में ओपन कर लिया है, और गाइज ओपन करने के बाद हम सिंपली लाइट पर जाएंगे, और इसमें जो कंट्रास्ट है इसको गाइज हम माइनस के एकदम थोड़ा सा 10% रखेंगे, और हाईलाइट जो है इसको हम रखेंगे माइनस के 40-50 के आसपास, और शैडो को भी हमें अबाउट 50% रख देंगे इंक्रीज करके। और फिर गाइस जो हमारा ब्लैक्स है नीचे जाएंगे हम, ब्लैक्स को ही रख देते हैं हम माइनस के 10%, और फिर वाइटीज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। और फिर उसके बाद से गाइस हम कलर वाले टूल पर जाएंगे, और यहाँ पर हम सीधे मिक्स वाले टूल पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा देखिए ब्लू कलर का शर्ट है, तो हम क्या करेंगे इसमें ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे देखिए, और इसकी सेचुरेशन को हम कर देंगे फुल माइनस, और फिर इसमें हम थोड़ा डार्कनेस लानी है हम शर्ट में, तो इसको लुमिनस को हम कर देंगे अबाउट माइनस के 30%। तो हाँ देखिए 30% रखने के बाद एकदम सही लग रहा है। और उसके बाद से देखिए हम दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें अम्ब्रेला का कलर जो है उसको चेंज करना है, तो हम यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो हम सिंपली इस वाले कलर पर आएंगे। तो गाइस देखिए इससे कुछ चेंज नहीं हो रहा था, हम इसको छोड़ देते हैं, सॉरी मिक्स पे वाले पर हम फिर से जाते हैं और यहाँ पर गाइस देखिए ऑरेंज कलर सेलेक्ट करते हैं और इसमें इसको सेचुरेशन को माइनस के 20% रख देंगे और लुमिनस गाइस 10% इंक्रीज कर देंगे। फिर गाइस अब देखिए हमारा कुछ हद तक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत सही लगने लगा है। तो गाइस सिंपली हम फर्स्ट वाले कलर जो हमारा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसका जो ह्यू है उसको हम 50% तक इंक्रीज कर देंगे, 50 और 60, कि जहाँ तक आपका हल्का येलो टोन आने लगा है आपको इंक्रीज ही करना है। माइनस करोगे तो जो आपके लिप्स है वो पिंक कलर के हो जाएंगे, तो सिंपली आपने बस इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको रख दिया है 54, फिर उसके बाद से इसको कर दिया है डन। फिर उसके बाद से गाइस हम नेक्स्ट वाले टूल पर जाएंगे, यहाँ पर जो देखिए टेक्सचर है ज़्यादा इंक्रीज करने पर ये भी सही नहीं लग रहा है, तो हम इसको रख देते हैं 31%, और जो हमारा क्लियरिटी है इसको रख देते हैं 10%। देखिए ये भी क्लियरिटी भी ज़्यादा इंक्रीज करने पर सही नहीं लगेगा, तो हम इसको 10 ही रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो हमारा डीहेज है इसको भी हम इंक्रीज करके 10% रख देंगे। और फिर गाइस जो हमारा विग्नेट है इसको हम माइनस के रखेंगे, माइनस के 10 to 15 के आसपास इसको रखेंगे हम। और फिर गाइस हम नेक्स्ट वाले टूल पे अपने चले जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा शार्पनिंग है इसको हम रख देंगे 35%, और जो हमारा मास्किंग है इसको रख देंगे हम 20% के आसपास, और नॉइस रिडक्शन गाइस हम रख लेंगे, इसको रख देंगे हम 26। तो गाइस देखिए अब हमारी फोटो फुली कंप्लीट हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर अभी आपको दिखा देते हैं। तो गाइस देखिए कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।